Hello my dear students, in the previous video we did complete the lesson number 4, he words and she words, and also we completed all the exercises of this lesson. So today we will revise some exercises for your tomorrow's lesson test. So jaise ki hame malum hai, humne grammar ke lesson number 4 he words and she words ko bhi complete kar liya hai, theek hai, aur uska exercise bhi humne complete kar liya hai. तो आज रिवीजन करेंगे दोबारा से कुछ एक्सरसाइज में बताऊंगा जो आपके कल लेसन टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है, आएंगे, ठीक है. कल आपका लेसन टेस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए आज मैं कौन कौन सा पढ़ना है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है. जानने के लिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए अच्छे से, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो कल लेसन टेस्ट होगा ही वर्ड्स एंड सी वर्ड्स का, ये फोर्थ लेसन का, ठीक है. तो आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, तो आपको पेज नंबर 26 सबसे पहले याद रखना, पेज नंबर 26 पे ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है. सप्लाई द मिसिंग ही वर्ड एंड सी वर्ड. तो यहाँ पे कोई कोई ही वर्ड दिया हुआ है, कोई कोई शी वर्ड दिया हुआ है. अगर शी वर्ड है तो आपके उसके बदले यहाँ पे ही वर्ड है तो उसके बदले यहाँ पे शी वर्ड लिखना पड़ेगा, और शी वर्ड है तो यहाँ पे ही वर्ड लिखना पड़ेगा. तो इसको आप मेमोराइज करेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेमोराइज करेंगे. इसमें से थोड़ा ही देंगे लेकिन सब याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है. कौन सा आएगा आपको पता नहीं है, इसके लिए आपको सारे याद करना होगा. देन नेक्स्ट गो टू दी पेज नंबर 27 के बाद पेज नंबर 27 भी आपको 7 में याद करनी है, सारे याद करनी है. इसमें क्या है, री राइट चेंजिंग द ही वर्ड्स एंड सी वर्ड. तो इसमें भी वैसे ही उसकी तरह, अभी मैंने जैसे बताया पेज नंबर 26 की तरह ही इज़ ए सन दिया हुआ है तो सी इज़ ए डॉटर. तो इसको याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा. और सेकंड, री राइट इन द प्लूरल फॉर्म. तो आपको सी सिंगुलर है, एक वचन है, इसका बहुवचन आपको बनाना है, ठीक है. तो आपको लिखने हैं, ठीक है, ये आपको याद करने हैं. प्लूरल बोलने से ये ऐसा वाला लिखना है, ठीक है, सिंगुलर का प्लूरल, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो गया ना, वैसे आपको लिखने हैं. इसको भी याद करने हैं पेज नंबर 27. देन आपको पेज नंबर 31, इसके बाद सीधा पेज नंबर 31 को आप याद करेंगे, यहाँ पे कैसे दिए ये सारे आप याद करेंगे, ठीक है. तो आज आपका लेसन टेस्ट है, आज आपको कल के आज आपका लेसन टेस्ट के लिए रिवीजन हो रही है, ठीक है. तो कल अपने लेसन टेस्ट के लिए रेडी रहना है. तो फिर से मैं आपको बता दूँ, आपको लेसन टेस्ट के लिए कितने कितने पेज में से आएगा, पेज नंबर 26, 27 एंड 31 ये आपको याद रखने, और ये तीन पेज में से ही आपको याद करना पड़ेगा, और इन्हीं में से ही आएगा, ठीक है. तो आपको अच्छे से पढ़ना है घर पे, आज अच्छे से मेमोराइज करना. और स्पेलिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, टेस्ट देते हो तो आपका स्पेलिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है. सबसे पहले स्पेलिंग को एकदम अच्छे से याद करना है, स्पेलिंग सही रहेगा तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा. और आपको टेस्ट देना है कल जैसे भी, ठीक है. टेस्ट नहीं दिया तो मैं पूछूंगा आपको फ़ोन करके कि क्यों नहीं दिए, मुझे रीज़न बताना होगा, ठीक है. तो आज के लिए इतना है, आपको ये तीन पेज आपको याद करने हैं, ओके. सो थैंक यू ऑल, डू प्रिपरेशन फॉर योर टुमारोज़ लेसन टेस्ट एंड टेक केयर.